हेलो हेलो यार, क्या है, कौन लोग है ये? अस्सलाम वालेकुम अहमद अहमद, हैप्पी एनिवर्सरी अहमद, हैप्पी एनिवर्सरी। नहीं तो हम लोगों को छोड़ दो। आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि अहमद खुद कहेगी कि हमजा यार तुमने ये मुझे गिफ्ट दिया है, यार मुझे हैरानगी हो रही है। और गाइस अभी क्या है, ऐसा क्या है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी एमन हारून। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आप लोगों से हमारी कोई वीडियो स्किप ना हो। गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज है मेरी एनिवर्सरी और माशाल्लाह मेरी शादी को हो चुके हैं 9 ईयर्स। और मैं सोची थी पता नहीं हारून को एनिवर्सरी याद होगी कि नहीं होगी, लेकिन हारून को थी एनिवर्सरी याद। वो कैसे भूल सकते हैं, वो अभी आए और वो आते हुए मेरे लिए लेके आए ड्रेस। ओह माय गॉड, वाओ। और उन्होंने बोला कि जल्दी से रेडी हो जो हम बाय डिनर करेंगे और मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। तो मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैंने कहा जल्दी से मैं व्लॉग स्टार्ट कर दूं। तो आप लोग व्लॉग देखने के लिए हमारे साथ साथ रहिएगा और देखते हैं कि हारून ने क्या सरप्राइज रखा है और मैं रेडी होके भी आपको अपनी फाइनल लुक दिखाती हूँ। हाँ जी गाइस, इट्स मी हमजा चेक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? यार ठीक हो? सब खैर खैरियत से हो? यार आज आप सबको बहुत एक अहम बात बतानी थी, आपके भाई के साथ हुआ यार बहुत बड़ा पार्ट। वो पार्ट ये है कि यार हारून अहमद की आज एनिवर्सरी, हारून ने एक एक इन्फॉर्मेशन मुझसे करवाई, हर एक चीज़ की बुकिंग मुझसे करवाई, लेकिन उसने आपके भाई को ही नहीं इन्वाइट किया। यार मुझे लगा अभी करेगा, लेकिन अब इधर तकरीबन 8:30 का टाइम हो चुका है और तकरीबन 9:30 बजे उसकी है एनिवर्सरी, उसने अभी तक हमें इन्वाइट नहीं किया। तो आपके भाई के दिमाग में एक आया खोराट आइडिया का, क्यों ना भाई जबरदस्ती जाके उनकी एनिवर्सरी में हम शिरकत करें। यार अभी हम सब रेडी हो रहे हैं, सरगर फैमिली के सब मेंबर्स को मैंने बता दिया कि आज हमने मानना है वहां जाके छापा। उनको बिल्कुल भी नहीं पता, वो बिल्कुल दोनों मियां बीवी करने लगे एंजॉय और हम चारों वहां जाके मानने लगे हैं छापा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो उनका वहां जाके देखते क्या बनता है रिएक्शन। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि मैंने एमन को देना था सरप्राइज और हम उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और एमन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्साइटेड हुई है। गाइस मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ, थैंक यू सो मच हारून। हाय हाय, इतना सुकून, मुझे इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी सुबह से कि पता नहीं क्या होगा, और वाकई मुझे आपका ये बहुत ज्यादा पसंद आया है। लेकिन मैं सर्कल फैमिली को शदीद मिस कर रही हूँ, उनको भी बुला। बस अहमद मेरा तुमने दिल दुखा दिया, यकीन करो मैंने तुम्हें इतनी अच्छी जगह पे लेके आया हूँ, तुम्हें खाना खजाना में खाना खाने लेके आया हूँ। इतनी खजाना यहाँ पे तो सर्कल फैमिली को होना चाहिए था, खाना खजाना हमजा को होना चाहिए था। बस करो अहमद यार, तुमने यकीन करो मेरा दिल तोड़ दिया, मैंने व्लॉग ही नहीं बनाना, बस ये कहता तुम, तुम्हें ना मेरी कोई फीलिंग की परवाह नहीं है, बस मैंने नहीं व्लॉग बनाना, बस बंद करो। मुझे आपकी फीलिंग से बहुत परवाह है, मुझे सर्कल फैमिली बिल्कुल नहीं मिस करी, आई हेट यू। सही खेल गया। मुझे हारून का सरप्राइज बहुत पसंद आया, लेकिन हारून मुझसे नाराज हो गए और वो इसलिए नाराज हो गए हैं क्योंकि मैंने किया सर्कल फैमिली को मिस। और सर्कल फैमिली को हम कभी भूल नहीं सकते, आपको पता है वो हमारे साथ साथ है, तो उनकी याद हर जगह आती है। बताएं, मैं भी मिस कर रहा हूँ सर्कल फैमिली को, लेकिन तुमने मेरे सरप्राइज के थैंक यू तक भी नहीं तुमने मुझे कहा यार। थैंक यू सो मच और मिस यू सर्कल फैमिली। जी गाइस, तो आपका भाई पहुंच गया है, थोड़ा आहिस्ता बोलते हैं, अभी अहमद अरुण को आवाज ही ना चली जाए। क्यों जी? चलें जी, सुना है यहीं कहीं एनिवर्सरी अपनी बना रहे हैं। आपका भाई डेस्टिनेशन में खड़ा हुआ इधर पार्किंग में, हीरा मोइन अभी आ रहे हैं, वो रस्ते में थे तो मैं पहुंच गया था, मैंने कहा चलें अपने भाई अपने गाइस को अपडेटिंग दे दें। ये देखें जी निशी क्या कह रही है, आपको भी दिखाते हैं। निशी क्या कह रही हो? मैंने गिफ्ट पैक किया। ये देखें जी गाइस, मैंने अहमद के लिए गिफ्ट लिया, आप लोगों को कैसा लग रहा है गिफ्ट? गाइस इसमें बताएंगे क्या हो सकता है, चलें आपको हिंट दे देती हूं कि इसमें वो चीज है कि गर्ल्स जो है इसकी कीमत जान सकती हैं। बिल्कुल यार गाइस, आप लोग भी चले, मैं आपको बता ही देता हूँ, यार बताने की क्या जरूरत है, व्लॉग को पूरा एंड में देख के जाइएगा, आपको भी पता चलेगा कि आपके भाई ने अहमद को आखिर गिफ्ट दे दिया है और अहमद खुद कहेगी कि हमजा तुमने मुझे गिफ्ट दिया, वो परेशान हो जाएगी यार, बिल्कुल हकी पकी रह जाएगी, आज तो मजा ही आने वाला। चले जी इधर थोड़ा सा वेट करते, हीरा मोइन आने वाले हैं, फिर जाके अंदर मारते हैं उन पर छापा और आप व्लॉग को पूरा देख के जाइएगा। 15 minutes later. मैं जिसका वेट कर रहा था वो लोग आ गए, हीरा मोइन आ गए, बस अंदर चलते हैं छापा मारने। मुझे पता चल गया है कि वो इधर ही वो वाला रेस्टोरेंट था, मैंने तो वैसे कॉल पर ही करवाई थी, लेकिन इस साइड पे वो रेस्टोरेंट है। और ये देखिए जी हीरा मोइन आ गए, बस ये उतरते हैं फिर हम लोग चलते हैं।
ये देखें जी गाइस, बस उतरते हैं, चले चले अंदर, उनपे छापा मारने। इतनी देर क्यों कर दी यार, कब से वेट कर रहा था। तुझे बताऊंगा वापसी में दस्तार, बाद में पूछना, बाद में बाद में। चले गाइस, ये लोग अब उतरने लग गया, अब हम लोग चलते हैं अंदर। चलो निशी, वो लोग आ गए हैं। चले चले जी, चले गाइस, अब हम लोग अंदर चलते हैं। उस तरफ है उनका रेस्टोरेंट, और आप लोग सोच ले कि उनका क्या फेस एक्सप्रेशन होंगे। ये चुप्पे, वो वहाँ पर मेरे बिल्कुल सामने है रेस्टोरेंट, जहाँ पर वो लोग एमन और मोहन खाना खजाना में कर रहे हैं एंजॉय। वो देखें गाइस, खाना खजाना इतना मुश्किल नाम कर रखा है इन्होंने, खाना पता नहीं यार। हमजा ने बुकिंग करवाई है, तो मैं पता है सारी, हारून ने हमजा से कह के बुकिंग करवाई है, और हमें नहीं बुलाया। मोहन हमें नहीं बुलाया यार, मोहन तो खुद सोच यार, तो हम खुद आ गए। कोई वही ना, उनका सर्कल फैमिली हो ही नहीं सकता, इनकम्प्लीट हो। बात तो सही है, उनके क्या एक्सप्रेशन होंगे मोहन, बताऊं जब उनकी तुम देखेंगे, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। मनोज कहां से आ गए, मुझे लग रहा है वो सामने एंजॉय कर रहे हैं उस तरफ, बाहर बैठे हुए वो। देख मुझे यही लग रहा है, मुझे यही लग रहा है, सेटअप किया हुआ है। हीरा कैसा लग रहा है उनका एक्सप्रेशन देखने के लिए। हेलो हेलो, यार क्या है, कौन लोग है ये। अस्सलाम वालेकुम मेहमान, मेहमान हैप्पी एनिवर्सरी, मेहमान हैप्पी एनिवर्सरी। ये तो हम लोगों को छोड़ दो, क्यों मेरे तो मेरे जोड़ेंगे बस, क्योंकि हम लोगों ने इन्हें पता के साथ आपने इनको जरूर बताया होगा। मुझे सिर्फ इतना बताओ, उनको पता कैसे चला है, किसे पता लगा। बुकिंग तो तूने मेरे थ्रू ही कराई थी ना यार हमजा, ये तो जाती है। हारून से कहा भी तो हारून ने कहा नहीं, मैंने तो हमजा से नहीं करवाई। नहीं अच्छा, बुकिंग कराई थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी। तो यार तूने हमें बुलाया नहीं, मैं 8 बजे तक 9 बजे तक वेट करता हूं, लेकिन हद होती है यार। हारून ने काम वाली को बुला लिया, हमें नहीं बुलाया यार। वो तो मेरे बच्चों को संभालने का, तो हमने मिस कर ही थी, लेकिन मैंने कहा चले आज अकेले टाइम स्पेंड कर लेते। देखा तो मिस कर रही थी, हम पहुंच गए। क्यों मोहन ऐसा हो सकता है, फैमिली हर जगह पहुंचती है यार। सच में ये ज्यादती है, बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। वाओ यार, ये ज्यादती है, ज्यादती है। हारून ने क्या मतलब, तुम्हें अब हम अच्छे नहीं लगते आज के दिन, अच्छे नहीं लगते। दोनों ने ब्लैक ब्लैक पहना। चलो गाइस, आने का एक फायदा हो गया, एक फायदा हो गया, गिफ्ट तो आया। ये सिर्फ सरप्राइज के थे गाइस, ये देखने को हमारी खुशी नहीं हुई यार। ओ मेरी चॉकलेट गिरा दी यार, इतनी मुश्किल से गिराई थी। ओ यार मोइन, नहीं बताना यार, अभी नहीं बताना कुछ भी। इसमें छोटा सा मैंने मिर्ची बॉक्स बनाया तुम्हारे लिए यार, मिर्ची बॉक्स है, उसके अंदर चॉकलेट दी मैंने, खाई है मोइन ने, खानी है। चलो अब तुम लोगों को अच्छा मंजा आपका पड़ेगा। बिल्कुल यार, अब हम लोग आगे खाना तो जरूरी है, तुम्हें पता है तुम लोग डिनर करके जाओगे। बिल्कुल अच्छा, सरकार फैमिली गलती से आ गई है। अच्छा तू तो लेके आया हमजा, मोहन का गिफ्ट किधर है? इसी हमने कंबाइन लिया, कंबाइन लिया, कंबाइन लिया यार, मुश्तरका मिलके बनाया। और मुझे कसम से उम्मीद नहीं थी, ये तो मुझे लग रहा है रेडी वाले से ना 10 रुपए बनाया, 10 रुपए बनाया, 10 रुपए बनाया, वो लग रहा है मुझे। नहीं मेरी बात सुनो, आपने बोला कि मैं सरकार फैमिली को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ ना। हारून ने कहा कहीं तो अहमन रहन दो, उनको मिस करने की क्या जरूरत है। फिर मैंने कहा चलो अच्छी बात है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सर्कल फैमिली, भाई एक मिनट रुक जाओ, ये जो आप लोगों ने कपड़े पहने काले, फट्टे पहने लिटा रहे हैं, हम एनिवर्सरी पे आए हैं ना आपकी, तो आपको फट्टे लिटाने नहीं आए। तू वही पुरानी शर्ट पहन के आया, मैं नया सूट पहन के आई। ये नया लग नहीं रहा, चले गाइस, हम लोगों ने तब छापा मार दिया, आप लोगों ने एक्सप्रेशन भी देख लिया। अब खाने छाने के ऑर्डर देते हैं, तुमने खाने का ऑर्डर दे दिया अभी? भाई मैं आप अपनी मर्जी से आए हो, खाना मैं नहीं खिलाऊंगा। ये क्या बात है यार, अब मेहमान आ जाए तो क्या करें। हां क्या करें, मेहमान आ जाते हैं, घर में आते हैं। हमें अच्छी लग रही है यार, इनकी मर्जी से आ गए यार, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। चलो मोइन तुम क्यों आए हो, तुम नहीं आते हो मोइन, शुक्र मोइन वो कोट नहीं पहन रहा है, असल में कोट मेरे घर पड़ा हुआ था। आग लगा दो, आग लगा दो, ठीक है जो कोड को आग उसको मैं 1000 रुपया दूंगा, और वो व्लॉग में भी पूरा डालेंगे। और मैंने नहीं कहा था कि 800 रुपए वो कोड ही खरीद लो। गाइस उसके कोड के चक्रों में आज मेरा वो हीटर फट गया, मेरा कारपेट जल गया, इसका कोड कहां चलाऊंगा। ओहो यार गाइस बहुत बुरा हुआ गाइस, देखिए ये हारून के ऊपर काला जोड़ा कैसा लग रहा है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह,
आपसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी शक्ल भी ऐसी नहीं है यार। हमसे तो बहुत अच्छा लगेगा, ये अमीरों वाला सूट हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कैसा लग रहा है, मैं गाइस से ये पूछ रहा हूँ। चले गाइस कमेंट बॉक्स में, गाइस सर्कल फैमिली कहीं नहीं छोड़ सकती, मुझे यकीन करो। आज हो गया गाइस, गाइस गाइस आप ये देखिए, आप ये देखिए, और मुझे अच्छा हारून की रणमुरीदी की इंतहा देखिए, काला कोट काला सूट स्किन बाल स्किन कोट, ये प्यार होता है भाई, तू प्यार नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो। चले गाइस इन लोगों की गप्पे तो मुकनी नहीं, कुछ खाने की तरफ भी आते हैं गाइस। लेकिन एक चीज की खुशी है मुझे, सबका फैमिली चलो जैसी भी है तुम्हारी ग्रुप की है, हमारी जान है, सही है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है की 9 बजे से हमारा इंतजार कर रहे हैं यार, ये हमजा तेरा सरप्राइज मेरा रिकॉर्ड भी खराब कर दिया। जब भी लोग लगेगा तो देखना शुरू में आरुण ने क्या बोला। चलो गाइस ये हमारे लिए सरप्राइज है, जब लोग अपलोड होगा तो देखते हैं, ये लोग हमारा वेट कर रहे थे, हमारी बुराइयां कर रहे थे। बिल्कुल ये देखिए एमएन आते हुए अरुण को इसमें लाई थी, आके छोड़े असल तोते लेके आए थे, तोते उड़ा दिए ना। नहीं नहीं एमएन नहीं, देखिए अरुण इसमें था, अरुण को देखिए यूं निकाला था अरुण को, टोपी पहनो एमएन टोपी पहन के, अरुण साथ आया था बेटा, इसमें नहीं आया था एमएन। गाइस वो टोपी पहन के दिखाओ यार, गाइस इंतजार कर रहे हैं यार, प्लीज एमएन की टोपी देखिए एमएन। गाइस आर यू रेडी, सब हाजिर हो जो, सब टेंशन हो जो, एमन क्या बनने वाली है आप सबको मैं दिखाने लगा हूँ, प्लीज प्लीज हाजिर हो जो, ये देखें हैप्पी एनिवर्सरी। जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, दोबारा बंद करो गाइस, गाइस मैं भी जादू करके दिखाऊंगी, को बंद करो, मैजिक मैजिक चिड़िया बना दो, मैं वैसी चिड़िया बना दो, आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा अपने सरप्राइज का किसी पक्के दोस्त को, अपने भाई को भी मत बनाए। देखे जी हमजा ने मिजरा के सरप्राइज भी खराब कर दिया, हम चले जाएंगे अगर कुछ बुरा का। अच्छा उसके बाद मोहन ने आके टोपी का भी बता दिया, चीज रहने ही नहीं देते हैं गाइस। ये टोपी भी देख के अमन दोबारा पहने, माशाल्लाह वाह अमन बहुत अच्छी लग रही है अब यहाँ पर यार, आप देख रहे कपल कैसा लग रहा है, कपल हम सारे उधर जाएंगे और ये लोग इधर आएंगे। अब अमन जब भी रख दिया अरुण कश्मीर रख दिया। चले गाइस इन लोगों के चलते रहना, मैं खाने की तरफ जाऊँ यार। okay. तो खाना छाने का तो हो गया था ऑर्डर, ये देखे यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों मोहिंद यार देखे आप, ये देखे माशाल्लाह का शूट तो देख ले आप एक दफा, मुझे तो ये इज्जत ही नहीं दे रहे यहाँ ये लोग, देख ले खाली एक दफा इसकी यार उनका माशाल्लाह। ये देखे गाइस इन लोगों का हो रहा है यहाँ पर अपना शूट, ये लोग हमें लिफ्ट ही नहीं करा रहे यार, हम भी यहाँ पे आए रहेंगे, इग्नोर करेंगे गाइस, ये समझ रहे मेरे बलीमे की आई वो है। अच्छा गाइस 9 साल हो गए, 9 साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यार को कोई 9 साल हो गए अरुण को, अरुण 100 साल भी देखना, 100 साल बाद भी ऐसा होगा, नहीं थी कि मुझे ये मिलेगी। आप देख ले 9 साल बाद भी बिल्कुल न्यू कपल लग रहे हैं। आप लोगों ने क्यों नहीं हमें बुलाया यार, बिन बुलाए मेहमान कोई बात नहीं यार, हम फिर भी आएंगे, खाएंगे आज हम ठीक बन के, प्रिय व्लॉग तो देख ही लिया होगा, ये तो समझ लिया मोहित है, आज मैं अपने घर पे कोट तुम्हारे घर उतार के अब आग लगाना पड़ेगा 1000 रुपया इसमें से, वो पैसे यार वो मैंने धुलवा दिया था। ओहो अच्छा, उसने नया सर्फ बनाया बेचारी ने, कपड़े इसका कोट है, मैंने कहा हैक नहीं तो और जो कपड़े उसमें, हमदा ये काम करना पड़ेगा, बाप लोग तो ढीड़ बन गए हो, खाना नहीं खाना है, खाना मस्त, अब वो कोट जला के 1000 रुपया लेके मैसी में डालूंगा। नहीं नहीं मेरी बात सुनो, एक बात बताती हूँ, कसम से मैं जहाँ भी जा रही हूँ ना, लोग कह रहे सर्कल फैमिली है वो, लेकिन वो मोइन का नाम लेते कि वो अंगूठे वाला बाबा किधर, इसकी उंगली नहीं अंगूठा लगा रहा है, आज उसका अंगूठा काट के लेके जाएंगे उधर, तू तो बच, अब पता नहीं अंगूठा किधर किधर जाएगा लगने के लिए, गाइस अब ये लगाए, सबने कहा है आज अरुण की हरून आप मुझे लग रहा है केक नहीं लाए हो यार, हम कब से केक का वेट कर रहे हैं यार, केक मैंने कहा तो था अंदर देखता हूँ, नहीं मैंने इनको कहा तो था, पर मुझे भी सच्ची बात तो मुझे भी याद नहीं, हमदा नहीं याद रहा, थैंक यू हमदा, एकदम मुझे गुस्सा आ गया था, देखा फौरन गुस्सा यही तो, हरून खुश मोइन खुश हो गया, हरून हर साल 4 इंच कम हो रहा है, गुस्से कर दीजिए, जब फूल जैसी बीवी पसंद की है तो उसका कांटो जैसा गुस्सा भी बर्दाश्त, बात तो फूल के साथ गुमला भी तो है।
गमला अभी तो बर्दाश्त करना है। ऐसा फूल माशाल्लाह। मोइन यार ये तो लिफ्ट ही नहीं करा रहे, क्या करें? गाइस मैं तो कह रहा हूं इज्जत से अमन खाना मंगवा लो यार। इज्जत से खाना मंगवा लो। इसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत क्यों? ओ वाओ हारून ये तो लेट्स का केक आ गया है। ऑलरेडी प्लानिंग की हुई थी, मैं बता नहीं रहा था, मैंने अंदर रखवाया हुआ था रेडी ला के, और आपने ना सारा भांडा फोड़ना होता ना मैं क्या करूँ यार, ये तो मुझे पता नहीं था। गाइस गाइस देखिए मोइन पढ़ के सुनाएंगे। मोइन ये देखिए उन्होंने क्या लिखवाया यार, ये देखो लिखवाया भी है माशाल्लाह। गाइस केक देख के ना मेरे हाथ में खराब नहीं करना। दी बेस्ट थिंग टू होल्ड ऑन टू इन लाइफ इज ईच अदर माशाल्लाह। ये तलावत कर रहा था ये दूर। ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। गाइस हम पूछते हैं मोइन इसकी उर्दू करके दिखाओ। चल गाइस दी है बेस्ट बेहतरीन थिंकिंग जो मेरे पास नहीं है टू होल्ड जो मैं यहाँ पे आके रुक गया हूँ ऑन टू ऑन लाइफ जो इस लाइफ के अंदर माशाल्लाह इन इज अदर। और एक वर्ड और ऐसी चाहिए। मजा आ गया आप तो ऐड वाला पॉइंट सुन के। पिछले व्लॉग में भी कहा था कि जिसने इंग्लिश कोर्स करना हुआ किसी ने इंग्लिश की ऐसी की तैसी भरवानी हो तो मोइन हाजिर। ये अच्छा था यार, ये अच्छा था। ऐसी इंग्लिश आपको जो सी है ना वो गोरे भी नहीं सुना। हीरा कैसे बर्दाश्त करती हो यार? गोरे सुन लेना, गोरे इंग्लिश छोड़ देंगे। कुछ भी नहीं बोल पा रही हीरा, हीरा स्पीचलेस हो गई है। जब ज्यादा मुझे गुस्सा आता है ना मैं हीरा से उर्दू में बात नहीं करता, मैं इंग्लिश में बात करता हूं। गाइस हीरा इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि वो इमोशनल है थोड़ी सी, और अपनी बहन की खुशियां देख के ना थोड़ी सेंटी हो गई। मेरी बहन को हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन आमीन। और हम लोगों को भी ऐसे ही कायम रखे, ऐसी एनिवर्सरी पे छापे मारते रहे। छापे बता के छापे डलवा रहे हैं गाइस। हीरा मेरा वो है जो माँ वाला नहीं होता, माँ वाला प्यार। आज ममता आई हुई है हीरा में, मुझे तो यही लग रहा है। गाइस आप लोग भी ये बताए। गाइस केक शेक भी आ गया, इनका फोटो सेशन ही नहीं मुक रहा यार। अमन क्या हो गया, तो तुम लिफ्ट ही नहीं करा रही है। देखिए गाइस केक भी आ गया है, ये देखे अमन लिफ्ट ही नहीं है। क्या बोला क्या चाहते क्या आप? गाइस जी देखा था अभी का शूट करूंगी, ये ना बोरी जैसी है। देखिए माशाल्लाह ऐसे लग रहे हैं, मुझे नहीं आता जिला सुपर में भीख मांगने लाते हैं। वो भीख देते एकदम कहते थैंक यू, एकदम कहते मोस्ट वेलकम। गाइस ये लोग तो कटिंग भी करने लगे हैं। गाइस मोइन को ना टाइटैनिक के जहाज में हैप्पी एनिवर्सरी एंडी, हैप्पी एनिवर्सरी एंडी। क्यों बिल्कुल सारे डूबने वाले निशी, आप तो फोटो शूट करी जा रही हो। चलो 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 ये देखे देखो तुम। Happy anniversary to me one. La 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 la. अमन एक बात पूछना चाहता हूँ, रुको सुनोगी? सोचो अगर हम लोग ना होते तो तुम कैसे एंजॉय करती है ऐसे वाला? कौन ऐसी वीडियोस बनाता? सोचो तुमने हमारे बगैर जाने का सोच कैसे लिया यार। अमन बंदा नौशीदार बगैर थोड़ी होते हैं जो मरी चली जाए अकेला अकेला। हाँ अभी तो उसका भी बदला लेना। वो मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी। ओके यस गाइस इज योर फैमिली। सॉरी मामा। मामा सॉरी मामा। मुझे मुझे देख के शुक्र है कि पापा वाली फीलिंग नहीं आती है। डज इट मींस यार मुझे तो किसी ने भी नहीं खिलाया यार। यार ये क्या हरकत है? सॉरी हमजा। चलो गाइस यम्मी हमजा को डाल रही है। मुझे देना ही नहीं है। इनकी देखिए अपनी पार्टी शार्टी चाह रही है, लोग अपना एंजॉय करने लगे हैं। देखिए गाइस
केक शेक इन्होंने मुझे देना नहीं है, तब तक के लिए भाई को थोड़ी सी ज्यादा दे दी, तब केक शेक खा गया यार। 3 minutes later. गाइस तो हमारा खाना आ चुका है और जिसकी एनिवर्सरी है वो बंदा अभी तक बैठा ही नहीं, व्लॉग बना रहा है और बाकी सबको देखे। चलो चलो फोटो लो यार, मुझे जल्दी फोटो लो, चिमटा मेरे हाथ में है। ये देखे गाइस खाना जबरदस्त गाइस, गाइस मैं एक एक बस ऊपर से ले लिया। मोइन आपको सिर्फ खीरे खाने ओके, क्योंकि आप बिन बुलाए मेहमान है। ओके लेकिन तुम लोग, लेकिन तुम लोग गिफ्ट लेके आए हो ना। एक सेकंड हमजा, तो आपके लिए मैं जो खाना खजाना है इसकी तरफ से आपके लिए ये ऑफर है कि जब भी आप लोग कोई भी इवेंट है, आपका एनिवर्सरी है, ब्राइड टू बी है, हैप्पी बर्थडे है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू इस वाले के पैसे देने पड़ेंगे सर, ये ग्रेवी में आपको फ्री दी है। तुम हर जगह मेरी बात सुने, जितने हम लोग लोग हैं, मुझे तो ये इनकी हमजा तो कुछ भी नहीं छोड़ेगा, मतलब यार मैं चले जाता हूँ अगर तुम लोगों को इतना मसला हो रहा है। यार मुझे तो नहीं इतनी उम्मीद थी कि तुम लोग इतना बुरा मनाओगे यार मेरे आने से। हमजा बेइज्जती करवा रहे हो, बस करो हमजा। अच्छा अच्छा खुशी के मौके पे मत करो, खाओ खाओ खुशो तुनो। चलिए गाइस मैं खाना शुरू करती हूँ, इससे पहले मेरी एनिवर्सरी में मैं यहाँ से भूखी जाऊँ, सरप्राइज मेरे लिए दो और खा, ये सब मैं जल्दी से खा लूँ। गुड हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना पीना शुरू हो चुका है और ये देख ले बिन बुलाए बराती। बराती तो नहीं है अरुण, बेचारे एनिवर्सरी पे आ गए। हम गिफ्ट भी लेके आए कसम से। आहा मजा आ गया खाना, जो छापा मारने के खाने का मजा है वो अपना ही है यार। नहीं वैसे मैं तुम लोगों को मिस करी थी और वाकई तुम लोग आए हो तो एनिवर्सरी में और भी मजा आ गया। आपको गिफ्ट बहुत पसंद आएगा, आपके मतलब की चीजें। आप मिस्ट्री बॉक्स हमने तैयार किया है, बहुत दिल से किया है, प्लीज एक्सेप्ट। इतना छोटा मिस्ट्री बॉक्स, एक बात कहूँ गाइस, ये देखो यार आप कसम से कह रही हूँ, कसम से मैं कह रही हूँ, इन्होंने कोई चुस मारी है और बड़ी जबरदस्त चुस मारी है। सर का फैमिली कभी अच्छे काम नहीं कर सकते, ऐसी चुस मारी है, मारी है चुस। लग रहा है कि मैंने चुस मारी होगी। हाँ चलो ठीक है, मत खोलना तुम्हें गाइस। वापिस गाइस मैंने जब वो उठाया है ना बॉक्स, तो मुझे उसमें ना कोई गड़बड़ लगी है। हाँ एक दम गाइस, इसके अंदर मैंने एक वो जोकर रखा हुआ है, मैंने खोलेगी तो ठा करके मुँह पर बजेगा। नहीं 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 नहीं, मुझे पता क्या लग रहा है, जो जारा के बर्थडे पे नहीं हमदा लेके आया था खोदा पहाड़ और निकली चुई है वो भी खड़ी हुई, ये वो वाला साहब हमारा सा लगता होना। कौन सा क्या था, क्या था? माउस लेके आता था खड़ा हुआ, मोइन से पूछो। है वाकई में? मोइन से पूछो, मोइन ऐसा हुआ था? अभी जो गिफ्ट है ना अहमद भाई, जिंदगी भर के लिए बेहतरीन चीज है बिल्कुल, और इसकी कीमत सिर्फ गर्ल्स जान सकते हैं। अहमद तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, हम वो शो नहीं करा देते वरना। तुम लोग सर तुम सही कह रहे थे, मत करो तो नहीं लेके आयो। नहीं वैसे नहीं, ये गर्ल्स शो करवा सकते हैं एनिवर्सरी हम दोनों की, तो मेरा किधर है? अगर वो तो उसका हो गया, चलो आप भी कर लो क्या बता। नहीं नहीं काम आएगा वो, तुम्हारे भी काम आएगा जब खुलेगा, फिर बताऊंगी क्यों आएगा। बिल्कुल, चले गाइस अब तो मैं जल्दी जल्दी खाना खाऊं ताकि मुझे बॉक्स खोलने का टाइम मिले। अब मुझे आप खाना खाने दे। वन शिफ्ट लेटर गाइस, अब हम लोग खाना शाना खा के फारिग हो चुके हैं। खाना खजाना, हाँ वही खजाने वाला खाना। तो अब मैं खोलूंगी कि ये लोग मेरे लिए क्या, ये खजाना तो बहुत अच्छा था लेकिन जो डब्बे में खजाना है ना बॉक्स में, वो खोल के देखते हैं वो कैसा खजाना है। खोलती हूँ बॉक्स, सबसे मेन चीज उसमें देखती हूँ क्या खजाना है। ये खजाना तो अच्छा था, खाना वाकई बहुत अच्छा। और गाइस आपने आके लाजमी यहाँ खाना ट्राई करना है, इनका प्लेटर था और बहुत ही यमी था और बहुत लजीज था। यहाँ पर वैसे वो कह रही है कि 5 to 6 पर्सन का है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार ये आराम से 8-10 बंदे हम जी गाइस। अच्छा और आप यकीन करें इसमें से बहुत ज्यादा बच भी गया। ये देखो चलो मैं घर ले जाऊँ मोइन को, तो फौरन या मोइन या हमजा। हमजा मैं तुम्हारा खाना देखो पैक करवाता हूँ, ज्यादा जो तुम्हारे हाथ का बना होता है ये देख लेते हैं जो सब कहते हैं। हमजा ये तुम्हें पसंद नहीं आता, हाँ, मुझे अहमन की और अहमन की अम्मी के हाथ का। बिल्कुल अहमन की अम्मी और अहमन डन बेहतर। तुमने हीरा का नाम तो लिया, देखो हीरा क्या क्या कह रही है। नहीं 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 हीरा का नाम मैं एंड में लेना चाह रहा था ताकि सबको याद रहे एंड वाला नाम किसका था। पूरा कर रहा है पूरा। नहीं गाइस आप ही बताएं, मैं थोड़ा साइड पे क्यों हमजा में दावत की कैसा खाना था? मैं कह रहा हूँ लजीज जो चाइनीज था। हाँ दोबारा कब दावत खा रहे हो, बस ये बताओ। नहीं मैं बस एक दफा ही होती है। अच्छा चलो बस करो, मैं थोड़ा सा साइड पे करके बनाया करो हमजा के मुंह पे ना क्या करो, निशाबा का नाक भी बीच में आ रहा था। चले गाइस अब हम लोग खोलते हैं बॉक्स
और हमजा बनाएगा वीडियो और मैं खोलूंगी। मेरी ख्वाहिश है क्या? तुम वहाँ जाके खोलोगी एनिवर्सरी के बाहर, पीछे से बैकग्राउंड ये आ रहा होगा और तुम ऐसे। ओके ओके फाइन फाइन, अब देखते हैं। लग तो बहुत बड़ी कोई चूस रही है तो ये मेरी ऐसे करके। गाइस व्यूअर्स आप हकीकत बताएं, मैंने आपको स्टार्ट में एंड तक अभी तक नहीं बताया ना, आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि एमन खुद कहेगी कि हमजा यार तुमने ये मुझे गिफ्ट दिया है यार, मुझे हैरानगी हो रही है। और गाइस अभी अभी क्या है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। गाइस अभी एमन आपको एक और भी व्लॉग देगी ना तो उसमें एमन के बड़े काम आएगी वो चीज। हाँ चलो बिल्कुल, ऐसा क्या है बस खोलो बिल्कुल। चलो ये देखिए वहाँ खोलने की तैयारी होने वाली है। चले नीचे जी गाइस, ये देखे जी गिफ्ट देने की तैयारी, खोलने की तैयारी होगी। देखे बॉक्स की रैपिंग और नोशी के कपड़े मैचिंग मैचिंग। ओ वाह, अभी तो देखना होगा क्या। थैंक यू सो मच, फ्रॉम नुशावा मोइन की तरफ से। नो गाइस रैपर पेपर बच गया था तो नोशी ने अपने कपड़े करवा लिए। नहीं यार नए लेके आए हो यार, बिल्कुल दो बिल्कुल नए लेके आए हो। गाइस ये देखे जी तैयारी हो रही है खुलने की। 1 2 3 माशाल्लाह, खूबसूरती देखे जरा। थैंक यू नोशी, कॉल पर हमारे घर कभी बहुत थी। गाइस यार बॉक्स भी मेरा था इस वजह से इसमें डाल दिया यार। कॉल पर नहीं है ये? नहीं है, एक हफ्ते का मेरा दूध कंप्लीट हो गया। तुम लोग चाय बहुत पीते हो लगता है, स्लॉपर्स लेके आओ। मैं वही देखेगा, मैं एक हफ्ते का वो मेरा ना राशन पूरा हो गया दूध का, लेकिन बहुत सा वेट नहीं है ना। वेटलेस है, वेटलेस है। हीरा ना खोलो है मन, ना खोलो है यार, खोलने तो इतना भी पूरा नहीं है यार। एमन प्लीज, एमन प्लीज, चूजा ना निकल आए कोई बार। सही कहा था कि चूसी है। नहीं नहीं नहीं, खोल के तो दिखाना पड़ेगा। और एमन एमन मुझे देगी अब इससे मजेदार पराठे बना के और हम खाएंगे। अम्मा ना बनाएगी इसे मजेदार पराठे घी लगा के और मैं खाऊंगा। देखो ओ वाह, आपको कैसा लगा मेरा गिफ्ट यार? मुझे पता था तुमने ईदा को भी यही कहना, मैं इसलिए सिखा के उसको लाया था। अच्छा गाइस बस आपस ही बात है, एक्सपेक्टेशन नहीं थी, हमजा अपने जैसी चीज देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, यार ये मैं अपनी मतलब की चीज लाया हूँ ना, अब तुम इससे मुझे पराठे दे। जी नहीं जी तुम बनाओगी। ये देखो गाइस मुझ पे हमला कर रही है। आपका अपनी बहन से पूछे कैसा लगा? कैसा लगा? मुझे तो मजा आ गया यार, बोला था ना अमन हक्की बक्की रह जाएगी। अमन किधर है? अमन क्या हुआ है? चलो घर अरुण बस बाहर। चलो एमन पैसे का खाने के पैसे यही देके मेरा महबूब जा रहे हो, बिल चल एक बिल देके आ जाना। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आना तुम्हारे पास ही है दोबारा। कब तक भागोगे? अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे मोहिन, इतने आए क्यों देंगे वही बैठे थे। वो आगे में देखो क्या हुआ है। अमन क्या सोचा? अमन कसम से टोपी पहना, प्लीज मेरी ख्वाहिश पूरी कर देते हो, टोपी पहनना यार। गाइस गाइस इसकी टोपी क्या है? टाइप टोपी दो, टोपी दो। ये देखिए जी आबरा का, आबरा का डाबरा, ये लो जादू। तोता 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 तोता, मेरी एनिवर्सरी है तो मोहिन हमें मैजिक करके दिखाए। हाँ बिल्कुल, चलो मोहिन मैजिक। ये आबरा का डाबरा हमने मैजिशियन भी मंगवाया। आबरा का डाबरा, डाबरा का काबरा, अमन हारून दरमियान से दूर हो जाए। ये पुट्ठा हो गया तेरा जादू है। आबरा का डाबरा छू मंदर काबरा, काला चूहा साइड पे हो, साइड पे हो, साइड पे हो। गाइस ये जादू अच्छा था। नोशी का गाइस आबरा का डाबरा, नोशी का नाक थोड़ा सा और लंबा हो।
ओ वाह भाई रे लगने लगी है। अभी कोर नहीं पता आपको मशीन वो नहीं लेनी चाहिए वाला इस पे रोटी रखी बेलते बेटा सारी इधर करो। अच्छा हम तो भी बनाओ हम जाते आबरा का डाबरा डाबरा टूट जाए देखा आबरा का डाबरा ये तो मार है देखा गाइस मेरे पे जादू नहीं हो सकता। इसने कहा था हारून और एमन यूज कर सकते हैं यूज ये कर आबरा का डाबरा आबरा का डाबरा डाबरा का आबरा हमदा की जैकेट पे स्कूल का टैटू बन जाए छू अभी रा आबरा का डाबरा माशाल्लाह खूबसूरती पू अब अपने आप पे खूबसूरती पू अपने अच्छे अच्छे और हमारे साथ ज्यादा हो रही है देखे गाइस एक मिनट नहीं हारून के ऊपर डालू छू अपने घर डाबरा बिल्कुल मैनेजर ने मैनेजर करेगा यार देखे गाइस हम अंदर जा रहे हैं मोहिन जादू करने जा रहे हैं नहीं कुछ नहीं होता तो क्या होता है चैलेंज है तुम्हारे लिए मोहिन को दिया एक चैलेंज वेटर कैसे मैनेजर के साथ करने लगा है शुगर ये देखें जी गाइस मोहिन जा रहे हैं गाइस मैंने बताया नहीं ये तो रेन हो रही है ये देखे गाइस मोइन बिल्कुल डरा हुआ क्या होने वाला इधर मोइन फुल डरा हुआ मोइन क्या हो गया चल है क्या अभी बताते हैं ना तुझे तेरी खुशी का चैलेंज है मोइन क्यों डरा हुआ अभी हमने नया मैजिक करने का सोचा है अभी ये भाई हमारे पास आए थे बिल नहीं वो कोई और थे जादू करने लगे ताकि हम बिल ला ले ठीक है ना ये भाई खड़े में भी जादू का असर होगा क्या हो गया डाबरा बिल ना लेना हम से छू हो गया सर बिल अब डबल हो गया चलो गाइस ये देखिए जी इसका अपना फंक्शन तो मुक गया यार देख लिया आपने हमारा तो डबल बिल हो गया मोइन आपने चैलेंज मेरी बात सुने कभी भी ऐसा मैजिशियन ना बुलाइए चले गाइस तो फटाफट जाके 500 सब्सक्राइबर दे दे ताकि मोइन की ख्वाहिश पूरी हो जाए गाइस आपने तो हमेशा ही देखा कबूतर निकालता हुआ मोइन गाइस को भी गुमराह करो गाइस गाइस आबरा का डाबरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर सुबह तक हो रहा टू ये सब से अच्छा था यार पता लगे 10 के तक भी ना पहुंचे यार गाइस ये ना मोइन का भी जैसे पोट हो गया था हां बिल्कुल पूछा ही ना आ गया यार ये लॉन्ग सुबह उठे कुछ पूछा हुआ और रिवाज में गाइस नहीं ये सही नहीं है वापस लो हमें वापस लो अपना मैजिक वापस हो जी मेरे उतरे ही रहने तो थोड़ा बड़ा नहीं इतना भी नहीं यार बड़े चले गाइस इसका मैजिशियन तो चलता रहना है अब जाके बिल छील की पार्टी करे यार हारून साहब बिल देने लगे हैं अच्छा गाइस खाना छाना तो मुक गया था ये देखिए अमन क्या बन गई है अमन यार अमन अब बहुत अच्छी लग रही है इसमें भी यार मैं सोचूं एक ये पिंजरा एक और पिंजरा खाया चलो हारून को अंदर बुलाओ पिंजरा खोलो हारून को बुलाओ चलो इसमें हीरा मोइन बंद होंगे इसमें नोशी हमजा बंद होंगे लेकिन ये टूटा हुआ है नोशी इसमें से निकलना मत हम निकल जाएंगे बाहर और एक और क्या है वो मेरा वाला हारून को बुलाओ तुम मजाक रहो ना यार तुम चमकादड़ लग रही हो ना इस टाइम जादू तोड़ने वाली ये रही अमन को कर दो क्या अमन तो कुटा जी इसमें बुलाओ हारून को चलो बंद करना जल्दी करो हारून टाइम ओवर 12 बजे के बाद वो हो जाएंगे एक बज गया अब तो यार एक बज गया आर एनिवर्सरी है ना उसको टाइम मिला हुआ बिल्कुल चलो अंदर आओ अंदर आओ चलो शाबाश चलो भाई चलो हारून अंदर जाने लगा है चलो गाइस उधर जा रहा है हारून को हारून उठो हारून नहीं हो रहा चलो ये क्या बन गया हारून ओह हारून किधर गया है हारून बन गया हारून कहाँ गया हारून यार हड्डी को करो छू 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 ये आ गया हारून
एमन यार अब बहुत हैप्पी लग रही हूँ, क्या हो गया, बस कर दो यार, खत्म एनिवर्सरी, अब खत्म खत्म एनिवर्सरी, बस खत्म, क्या हुआ है? उदास हो गए, तुम लोग मेरे लिए बेलन क्यों लेके आए हो? अमन तो मुझे पराठे बना के देना है ना उसे, मैंने सुबह भी बेलन ही देखना है, अभी भी बेलन क्या मसला है यार? अमन पराठे देना ना, क्यों मोइन पराठे नहीं खाने? अमन टोपी पहन के पराठे बनाओगी तुम? गाइस मैं भी आप लोगों को बहुत जल्द एक और सरप्राइज देने वाली हूँ, ये सबके लिए या व्यूअर्स के लिए? आपके लिए तो बहुत अच्छा सरप्राइज है, आप लोग कहेंगे कि अब हम नहीं रहेंगे, इधर ही व्लॉग बनाएंगे। वाह वाह है, ऐसा सरप्राइज नहीं चाहिए हमें, चाहिए चाहिए मुझे, चाहिए मुझे चाहिए। नहीं नहीं तुझे क्यों चाहिए, अन्नी के तू क्या आग लगावे? अच्छा गाइस एक नहीं दो दो सरप्राइज है, एक हारून ने मुझे देना है क्योंकि आज हारून ने मुझे नहीं दिया गिफ्ट। गाइस अभी मैंने दो सरप्राइज दिए, एक तो हारून और मैं ही ले रहे सरप्राइज, लेकिन एक सब्सक्राइब कर दो यार। एक और सरप्राइज है वो थोड़ा सा हो गया लेट, मतलब बस आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मुझे भी तो बता दो यार, उन्होंने मुझे आज देना था लेकिन वो किसी इश्यू की वजह से लेट हुआ है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। गाइस वो असल में ना वो दुकान बंद थी तो वो अभी नई दुकान खुल रही, दुकान बंद नहीं थी तो एक्चुअली बस थोड़े दिन में आ जाएगा और फिर मैं आप सबके साथ उस चीज को सेलिब्रेट करूंगी इंशाल्लाह। एक बात और बता दें, आज के खाने के पैसे डिवाइड किए उनके तो नहीं करोगे ना? नो आज का खाना मैं तुम लोगों को अपनी तरफ से मुंह पे मारती हूँ, दिल खुश कर दिया, तुम्हारे पेट में मारती हूँ। वैसे एक बात बताऊँ, मार दो तुम्हें अल्लाह जन्नत में जगह देगा। आज के दिन तो अच्छी बातें करो, आज के दिन दुआएं दो, दुआ दे तो जन्नत में क्या करेगी, पर दुआ थोड़ी दी दो सुख में, ये भी है यार इसने तो अच्छी दुआ दी। बाप तुम हारून को लेके जाए साथ, बड़ा मसला होता है। हीरा यार ये कितनी बातें करते हैं, तुम बोलो कुछ। हीरा अब ये अंदाजा लगा लो कि मुझे नहीं लेके जा रहा, जैसे भाइयों की तरह साथ देता रहूं तो तेरा कहां साथ देगा ये? तू भाई है, मामला गरम हो गया गाइस, मामला गरम हो गया, मामला लड़ाई होने वाली है, दिल पे लग गई वाकई। शीशे का था दिल मेरा, वैसे मोहित बहुत गलत करता है, हारून का साथ नहीं देता। चलो निकलो, कितनी बेइज्जती करो आप, यकीन करें हर जगह लोग कहते हैं यार। अब एक मिनट डायमंड, तुमने बात ढूंढी की आज, फिर से वही हरकत हुई है, आज फिर कोई यहाँ पे नहीं, आज फिर कोई नहीं है, वो देखो सब चले गए। नहीं नहीं जब हम आए तब भी कोई नहीं था, नहीं ना अब बाहर वाली साइड से, अंदर वाली साइड से भी चले गए। गाइस सेपरेटली हमने बुक कराया हुआ था ये, अच्छा हरून ही आपने सारी जगह रिजर्व कराई थी? वाओ यार, ओहो अंदर तो देखो जाके, हनोशी खाली अंदर, तो अब ये 1 बजे कोई भी नहीं आता, तो 1 बजे कौन आता है यार? इंसान ही नहीं है, लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, वो कह रहे हैं बारिश हो रही है आप अपने घर जाए। बिल्कुल यार गाइस बारिश भी हो रही है, हम तो अभी इंजॉय करेंगे बारिश में भी। गाइस यहाँ से जाके आइसक्रीम खाएं, सॉफ्ट एंड स्वीट की यार, वो वाली जो कौन सी वाली होती है, बस कर दो क्या खाना पीना, बस कर दो घर चल यार, इतने टाइम बाद खाना पीना किया यार, अब ऐसे ना को एनिवर्सरी खत्म और मैं नेल्स अब उतारे क्योंकि मैंने घर जाके बेलन से पराठे भी बनाने। अब बनाएगी उस बेलन से अमन मजेदार पराठे और सारी सर्कल फैमिली खाएगी। क्यों मोइन, अब जल्दी से आपको बता मैंने कितनी दफा सरप्राइज को बोला सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपको सब्सक्राइब करने को कही थी, जल्दी से जाके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन भी दबा दे ताकि आप लोगों से हमारी कोई वीडियो स्किप ना हो। इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके गाइस अल्लाह हाफिज़, उम्मीद है आप लोगों ने व्लॉग को से एंजॉय किया होगा, तो इजाजत है मुझे, अल्लाह हाफिज़। गाइस ये तो रह गया था यार, ये तो जरूरी था, चले जी व्लॉग को मुझे भाई सबको दे, इजाजत मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।